बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला। आज की इस वीडियो में हम क्लास सिक्स की आसान सिंधी में सबक चौढ़ूँ यानी चौदवा सबक हारी यानी किसान के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। हर बार की तरह इस सबक का बाकायदा आगाज़ हम बुलंद खानी यानी रीडिंग से करेंगे। बारो ही किस्मन किस्मन अन्न जेके खादे लाए कम अचन था ऐं कप जेम कपड़ो तैयार थे थो खबर अथव त असा लाए इहे सब केर थो उपाय। यो आला ऐं मेहनती इंसान हारी आहे। हारी सुबुह जो सवेर उथी बन्नी ते वींदो आहे। सजो डीह मेहनत करे रात जो घर मोटी ईंदो आहे। गर्मी हुजे या सर्दी वो पेंजे कम खां कढें भी कीं गुसाए। वो जमीन खेड़े उनमें बिज छटे पोए उनके पानी दींदो आहे। जेस ताईं बनी पची रास न थे लाबारो न पवे तेस ताईं रात डीं पियो उनकी निगरानी कंदो आहे। इन्हीं लाए त मता को ढोर ढगो या पखी पखण को जियान करे। फसल लहण खां पोए त हू अड़ियूं खुशियूं कंदो आहे जण त ईद थी अथस। छाकाण त बटई महल पैदाइश मां खे संदस हिस्सो मिलंदो आहे। जितना पढ़ा गया अब इसका उर्दू तर्जमा कर लेते हैं। बारो ही किस्मियन किस्मियन अन्न जेके खाधे लाए कम अचन था ऐं कफ जेमा कपड़ो तैयार थे थो। यानी बच्चों, ये मुख्तलिफ़ मुख्तलिफ़ अनाज जो खाने के लिए काम आता है और कपास जिससे कपड़े तैयार होते हैं। खबर अथव त असा लाए यह सब केर थो उपाय। यानी तुम जानते हो या आप सबको मालूम है कि हमारे लिए ये सब कौन पैदा करता है, कौन उगाता है। इहो आला ऐं मेहनती इंसान हारी आहे। यानी ये अजीम और मेहनत कश मेहनती इंसान किसान है। हारी सुबुह जो सवेर उठी बन्नी ते वींदो आहे। यानी हारी सुबह जल्दी उठकर बन्नी यानी खेत की तरफ जाता है। सजो डीह मेहनत करे रात जो घर मोटी ईंदो आहे। यानी सारा दिन मेहनत करके रात को घर वापस आता है। गर्मी हुजे या सर्दी हो पेंजे कम खां कढ़ें भी कीं गुसाए। यानी गर्मी हो या सर्दी वो कभी भी अपने काम से जी नहीं चुराता। वो जमीन खेड़े उनमें बिज छटे पोए उनके पानी दींदो आहे। यानी वो जमीन में हल चलाकर जमीन खोद कर उसमें बीज डालकर और फिर उसको पानी देता है। जैसाई बनी पची रास न थे ऐं लाबारो न पवे तेस ताईं रात ॾींहुं पियो उन जी निगरानी कंदो आहे। यानी जब तक फसल पककर तैयार ना हो जाए और कटाई ना हो उस वक्त तक दिन उसकी निगरानी करता है। इन्हीं लाए त मता को ढोर ढगो या पखी पखण को ज़ियान करे। यानी इसलिए कि कोई मवेशी जानवर या परिंदा वगैरह कोई नुकसान न करे। फसल लहण खां पोए त हू अड़ियूं खुशियूं कंदो आहे जण त ईद थी अथस। यानी फसल तैयार होने के बाद तो वो ऐसा खुश होता है, ऐसी खुशियां मनाता है जैसे उसके लिए ईद का दिन हो। बटई महल पैदाइश मां खे संदस हिस्सो मिलंदो आहे। यानी कटाई के वक्त बंटवारे के वक्त पैदावार से उसको उसका हिस्सा मिलता है। हारी डीह रात मेहनत करे पेंजे मुल्क जी पैदावार में इजाफो आणे थो। इन्हीं हूंदे वो सादो खाइंदो ऐं पहरींदो आहे। हारी एक अजीम इंसान आहे। मेहनत करण त को हिन खां सिखे। इंसान के संद जिंदगी मां बेन जी खिदमत करण जो सबक बिराइण घुर्जे। जितना पढ़ा गया अब इसका भी उर्दू तर्जमा कर लेते हैं। हारी डीह रात मेहनत करे पेंजे मुल्क जी पैदावार में इजाफो आणे थो। यानी किसान दिन रात मेहनत करके अपने मुल्क की पैदावार में इजाफा करता है। इन्हें हूंदे भी हू सादो खाइंदो ऐं पहरींदो आहे। यानी इसके बावजूद भी वो सादा खाता और पीता है।
हर एक अजीम इंसान आहे यानी किसान एक अजीम इंसान है। मेहनत करण त को हिन खां सीखे यानी मेहनत करना सब्र करना तो कोई इससे सीखे। असा के सदा जिंदगी मां बेन जी खिदमत करण जो सबक पिराण घुर्जे यानी हमें इसकी ज़िंदगी से दूसरों की खिदमत करने का सबक सीखना चाहिए हासिल करना चाहिए। इस सबक का ख़ुलासा यह है कि मुसन्निफ़ ने इस सबक में बच्चों को मुखातब किया है जो आने वाले कल के जवान होंगे। उन्हें बताया जा रहा है कि मेहनत कश किसान सुबह सवेरे उठकर खेत में हल चलाकर बीज बोकर फसल तैयार करता है। फसल तैयार होने तक चाहे सर्दी हो या गर्मी दिन रात उसकी देखभाल करता है। जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आता है। और इस वक्त में बताया गया है कि हम जो कपड़े पहनते हैं जो अनाज खाते हैं ये सब किसान पैदा करता है। किसान की मेहनत से हमें ये सबक मिलता है कि हम भी मेहनत करके अपने मुल्क को खुशहाल बनाएं। मुझे उम्मीद है कि ये सबक तमाम स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आ गया होगा। अब इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाह।